हसन मोटवाने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ आज जो व्यापारी एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे उनसे हमने मीटिंग की उनसे वार्तालाप की जो भी हमारे पास गाइडलाइन आई थी उसके रिगार्डिंग हमने उनसे डिस्कशन किया कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि वाहन कहाँ खड़ा करेंगे ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे ये पॉइंट्स हमने उन्हें बताएं और उन चीज़ों पर राजी हुए हैं कि हम ये चीज़ करेंगे नियमों की पालन करेंगे। कौन कौन सा एरिया खोल रहे हैं अभी सर? जो भी कर्फ्यू क्षेत्र का ऑर्डर आया था कर्फ्यू हटने का जो ऑर्डर आया था केसरगंज कवंडसपुरा इत्यादि जो एरिया था जो भी ऑर्डर में लिखा था उन सभी क्षेत्रों में क्योंकि ये मार्केट एरिया है पड़ाव केसरगंज कवंडसपुरा तो ये एरिया खुलने के लिए ऑर्डर था। ये जो गाड़ियाँ इनकी खड़ी होगी उसके लिए पार्किंग बनाई जाएगी? इनकी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी सर? जैसे कोई सामान लेने आता है इनकी पार्किंग की व्यवस्था या दुकान के सामने रहेगी या कहीं बनाई जाएगी? पार्किंग बनाई जाएगी तो जैसी कोई अभी व्यवस्था है नहीं। दुकानदारों ने इस चीज़ के लिए एग्री किया है कि वो दुकान के सामने अपने वाहन नहीं खड़ा करने देंगे। साथ ही साथ जो भी अभी जो पार्किंग उपलब्ध है वहाँ पर ये पार्किंग की कोशिश करेंगे कि इनकी भी वाहन पार्किंग में ही खड़े हों और साथ ही साथ कस्टमर आए कस्टमर को भी समझाइश करेंगे कि अपनी वाहन को पार्किंग में ही खड़ा करके आए। प्रकाश मंशाली बाहर बैठे हैं। अच्छा जनता मान नहीं कोई नहीं है अभी हमारी हो है अपना एक मीटिंग में भी अध्यक्ष है।